एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज पता है बहुत अमेजिंग मौसम है सुबह से, और अब एकदम डेंस हो रहा है मौसम, मतलब डेंस क्लाउड आ गए हैं, और कभी भी बहुत भयानक, अब कभी भी बहुत भयानक बारिश हो सकती है। सो लेट मी शो यू। सो कभी भी भयानक 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 बारिश हो सकती है। तो मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। मेरे हस्बैंड ने दाल चावल बनाने से मना किया है मुझे आज, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, तो इसलिए मैं दाल चावल नहीं बनाऊँगी। और गाइस, आई एम सो सॉरी। पता है मैंने कल रात को अपलोडिंग पे लगाया था व्लॉग, और वो अपलोड नहीं हुआ। मैंने दो वीडियो अपलोडिंग पे लगाई थी, उसमें से एक हो गई फेशियल वाली, और वो जो दूसरा था वो पता नहीं उसे क्या हुआ, सिस्टम जब मैं सुबह उठी तो बंद था, और जब मैंने जाके देखा तो जो वीडियो थी वो अपलोड ही नहीं हुई। मैंने अपना चार्जर कनेक्ट नहीं किया था रात में लैपटॉप पे, और वो डिस्चार्ज हो गया, वीडियो अपलोड नहीं हुई, और अभी रो रो के नेट चल रहा है। मैंने उसे 11:30 से लगा के रखा है, और अब 2:10 हो रहे हैं, 2 बजे ब्लॉक जाता है, 2:10 हो रहे हैं, और 50% हुआ है। मुझे लग रहा है कि रात तक ना हो अपलोड। सही में क्या हो रहा है, जबकि मेरी दो वीडियो टाइम से चली गई है, और फिर एक वीडियो जो कि कल रात को ही मैंने एडिट कर दी थी कि ये नेट की प्रॉब्लम ना हो, रात में अपलोड हो जाए वो साथ में, और ये हो गया। तो मैंने सैंडविच के लिए आलू बना लिए, और अब मैं जल्दी से सैंडविच बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है, और मैं इस पर फटाफट बनाऊंगी, क्योंकि सैंडविच मेकर में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तवे पे मैं फटाक से दो रखूँगी। और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, और मैंने जल्दी से ये बना लिया है। यह है सैंडविच, और मैंने तवे पे सेके हैं। इसकी रेसिपी है वो आपको मिल जाएगी कुकिंग जोन में, तो आप कुकिंग जोन में जाके चेक कर सकते हैं। और मैं इसे जल्दी से खा लूँ, उसके बाद मैं अच्छे से बात करूँगी, क्योंकि एनर्जी एकदम लो हो गई है मेरी। मैं तैयार हो गई हूँ, और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने, और थोड़ा कुछ काम भी था मुझे। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, सुबह से बारिश हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत अमेजिंग हो गया है। सो बस हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड अभी नीचे आएंगे, और मैं डायरेक्ट जा रही हूँ। और बन्नी है वो सो गई है। बन्नी, ये है शुगर कॉस्मेटिक की मैट मजेंटा, ये स्ट्रीक्स कलर स्ट्रीक, ये सॉरी हाँ ये स्ट्रीट हाँ ये स्ट्रीट वेयर का ब्लू आईलाइनर है, और ये काजल। सो फाइनली वी आर गोइंग, और ये मुझे कभी भी ले जाते हैं उठा के, बस बाय चाइन चाहिए, और ये मुझे उठा के ले जाएंगे कहीं पे भी। इन्हें मुझे आज किडनैप किया है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, और इन्हें मुझे किडनैप कर लिया है। मुझे एक रिव्यू शूट करना था लोटस का, जो मैं नहीं किया था वो मुझे करना था, एंड दिस गाय किडनैप मी। हां उसमें कमेंट्स आ रहे हैं लोटस के, और ये मेरे सारे कमेंट्स पढ़ते देखिए बता रहे हैं कि क्या है कि लोटस का रिव्यू चाहिए, लोटस का रिव्यू। मैंने भी तो किया है इसको, लोटस का रिव्यू। तुमने भी किया कमेंट? चल झुट्टा चल झुट्टी। हाँ, इन्हें भी बोल रहे हैं कि इन्हें भी कमेंट किया है कि लोटस का वो चाहिए, बालों की जो क्वालिटी है वो बरसात में बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और ऐसी गंदी हो रही है। हमारे बालों की क्या हालत है? बालों ना पूछो यार, बहुत परेशानी है बालों से, सोच रहा हूँ पूरे ग्रास कटिंग करवा लूँ। तुम पूरे बाल कटा लोगे? ग्रास कटिंग सोच रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें तो कभी छोटे बालों में नहीं देखा, मतलब बहुत छोटे बालों में, तो ठीक है चलो एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। पर बेटा बाल बढ़ने में टाइम लगेगा, सोच लो बाल कटवा लोगे तो बेशक वो कैसे भी हो, फिर उसके बाद कुछ कर नहीं सकते हो। मैं अपने बालों पे किसी को भी ऐसे कैची नहीं लगाने देती आराम से, क्योंकि मुझे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है। कहाँ दर्द दे रहा हूँ? कहाँ कैसे लगी? मुसलधार बारिश नहीं हो रही है, मुसलधार ही होता है ना, कौन आ रहा है? बहुत ही मुसलधार बारिश नहीं हो रही है। हाँ
जैसे तेज वाली बारिश आई। नो वे, यहाँ पे मैगी पॉइंट टपरे पे, अच्छा वो भी और टपरा जैसे ही है, टपरी मजाक में कई बार जो इंग्लिश के वर्ड है वो ऐसे वैसे बोलती हूँ तो फिर उसके बाद थोड़े गंदे कॉमेंट्स आते हैं। एक दिन अरे तुम जो क्या बोलते कैसे चिकन खा रहे थे तो मैं ऐसे कर रही थी, मतलब मजाक में चिकन्स खा रहे हैं, चिकन्स मतलब मस्ती में करती चिकन्स खा रहे हैं चिकन्स, तो एक ने मुझे लिखा चिकन्स, सोचा आपको इंग्लिश तक नहीं आती, चिकन्स नहीं होता चिकन होता है। सो ऐसे एरिया में जाम था जहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था, जस्ट बिकॉज एक इंसान गाड़ी लेके निकला था, उसे ड्राइव करते नहीं आता था और उससे वो गाड़ी चल नहीं रही थी तो उसने जाम लगा दिया और स्टिल वो वहीं पे खड़ा है। तक खा रहा था जाम लगा के भैया उस पे, वो ब्रेड खा रहा था तो ऐसा हुआ। ट्रैक्टर अब मैं फिर से मजाक कर रही हूँ प्लीज, हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, ट्रैक्टर हमसे आगे निकल गया था और सही में इतने वियर्ड कमेंट्स आ गए। BMW सीरीज का ट्रैक्टर था वो, मैंने मैं तुम्हें बताया था कि किसी ने क्या बोला था बोझो मेरे बारे में, एक तेरा बॉयफ्रेंड, एक ने इतना चीफ कमेंट लिखा था, मतलब वर्ड्स में नहीं बता सकती तो मैं उसे थोड़ा अच्छे फॉर्म में बता रही हूँ कि मेरा और बोझो का अफेयर है और कुछ था कुछ तो को मिला नहीं तो खा जाता बोझो, हाँ बोझो खा जाता, ऐसे ऐसे कमेंट ना करिए प्लीज, सोच तो लीजिए बेचारा बच्चा कि वो कि मेरा और बोझो का अफेयर है और क्या लिखा था, मतलब ये तो मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज में बता रही हूँ, और कुछ कुछ लिखा था, क्या लिखा था मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ना। और कुछ और भी लिखा था मेरे को अभी ये याद नहीं, बस पर जो भी लैंग्वेज थी हो सकता है मैं उसे अच्छी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाती, पर प्लीज सोची तो मतलब इतनी गलत बात, मेरा पीबी है वो चुतकाजम और अफेयर है तो है, मैं भी कन्फेस करती हूँ मेरा बोझो का अफेयर है पर बेबी और मामा वाला है ना राजा, और कौन सा हो सकता भैया, तो वो कुछ गलत फॉर्म में था क्योंकि उसकी लैंग्वेज नहीं बता सकती, फिर मैं उस इंसान को लगा कि अभी के ब्लॉक करूँ और होता ना तो ऐसे बोलती कि एटलीस्ट सोच तो लिया करिए, मतलब कुछ ही बोलना है पर बोलना है, मतलब कुछ ही बोलना है बस बस बोलना ही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था कि चलो अफेयर है। हेलो मंकी, अभी आधा टाइम लेना है बोझो का शैम्पू और बोझो का शैम्पू बोला, देखो शैम्पू होता है, मैं परेशान कर रही हूँ सबको, यस तो हमें का लेना है बोझो का, याद बताओ का लेना है, कल हम बताए तो बोझो का हमका लेना है, बोझो का शैम्पू और पाउडर, पाउडर लेना, पाउडर लेना है बोझो का और शैम्पू लेना है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, पर पाउडर और शैम्पू लेंगे हम बोझो का, पाउडर और हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपको मेरे बालों का कलर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, आपको मेरे बालों का कलर थोड़ा सा चेंज, पूजा गाना चला है? प्लीज प्लीज पता है एक अच्छा सा कमेंट आया था, मतलब मेरे एक अच्छी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, अच्छी सब्सक्राइबर का मतलब अच्छा कमेंट था वो, मैं ऐसे नेगेटिव में नहीं बोल रही हूँ, तो वो आया था कि आपकी फेवरेट सिंगर का गाना लॉन्च हो गया, मेरा स्कूटर दिमाग नहीं खाओ, हाँ फिर मेरे को दोबारा से वो टॉर्चर नहीं सहना जो मैंने आज से 20-25 दिन पहले सहा, साल पहले सहा, 25 दिन पहले सहा, देखो बुला दिया ना मैं कितनी, हाँ आपको मेरे बालों का कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि ये पूरा चेंज होने वाला है थोड़े दिनों में क्योंकि मैं तो धीरे धीरे करके चेंज कर रही हूँ क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और बाल जो है मानसून चल रहा है और जो बालों की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ना गंदी सी हो रही है और वो ऊपर से वो कलर पे वो ऐसा लगता है जैसे कि पूछो मत कि कितना गंदा लगता है वो और ड्राई और ये सब,
तो मैं धीरे धीरे मिक्स मैच करके कि वो एकदम से चेंज ना लगे, तो मैं धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ। तो पहले भी कमेंट आया था कि आपके बालों का कलर चेंज हुआ है, तो मैं हल्का 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 करके चेंज कर रही हूँ। अरे हट जा रे ताऊ पाछने, अब मुझे आगे नहीं आता। सो हम लोग जा रहे हैं बिग बाज़ार एक्सप्लोर करने, लाइक आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बिग बाज़ार की, वहाँ पे हमें कुछ मिलता है। मैं अपना KFC भी जाऊँगा। KFC I'm not interested. मैं वहाँ पे सिर्फ चॉकलेट ब्राउनी पीने जाऊँगा। ये चॉकलेट ब्राउनी पीने जाएंगे? आपको पता है मेरे बालों में अच्छे से कॉम्ब भी नहीं हुआ, मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं। नहीं कह रहा। He is looking hot and sexy. Ha 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 ha. And I'm looking. Joke of the year. हाँ, so हम लोग जाएंगे बिग बाज़ार। अगर वहाँ पे कुछ मिलता है तो मैं खरीदूँगी, और अगर नहीं मिलता है तो मैं नहीं खरीदूँगी। मच्छी बाज़ार चले, मच्छी ले रहे हैं, सस्ती वाली मच्छी है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। सही में कितना नॉन वेज खाना चाहते हो तुम, मुझे खा लो, मैं कितनी अच्छी नॉन वेज टाइप की लड़की। देखो ये क्या है, ये फ्लैट बने क्या? नहीं तो ले रहे हो एक फ्लैट। अच्छा इतना दूर? ले 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 ले। हम लोग आ गए थे 3 घंटे पहले वापस। उसके बाद इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी कि मैंने आते ही जो सैंडविच की मैं तैयारी करी थी इनने खाए नहीं थे, तो मैंने 2 ही खाए थे। फिर मैंने आके जल्दी जल्दी वो बनाए, और उसके बाद क्योंकि इतनी भूख लग रही थी ना कि मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। तो बिग बाज़ार से मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ऐसा ऐसा घूम रहा था। मुझे शॉपिंग करने ले जाओ तो वहाँ पर 4-5 घंटे तक मेरे को ये समझ में नहीं आता मुझे लेना क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा पिंपल होते हैं ना वो मानसून सीज़न में होते हैं। मुझे गर्मी में कुछ नहीं होता, सर्दी में कुछ नहीं होता, जब जब बारिश होती है तब तब मेरे चेहरे का ये हाल होता है। सो मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाती हूँ कि जो मैं लाई हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। सबसे पहले मैं लाई हूँ ये हैंगर का सेट, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, तो मैं एक ये लाई हूँ, और इसके साथ एक ये जो फ्री है ये लेके आई हूँ। उसके बाद मैं लाई हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग जोन का वहीं पे शूटिंग रूम बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत सजाने के लिए सामान लाती जा रही हूँ बीच बीच में से। तो मैं कुछ बास्केट्स लाई हूँ, मेरे को नहीं मालूम मैं इसे किस तरह से सजाऊँगी। बेबी पिंक कलर था, और मैं देखती हूँ इसमें आप फ्रूट वेजिटेबल ये सब रख सकते हैं। ये लाई हूँ मैं, और ये जो है ना, मेरे को पहले उसमें तो समझ में नहीं आया कि ये है क्या। उसके बाद फिर जब मैंने उठा के देखा तो मुझे लगा अरे ये तो फूड ढकने के लिए। कई बार क्या होता है, आपका जो खाना रहता है या कुछ भी आप केले ले आते हो या कुछ ले आते हो, तो उसमें इस टाइम पे वो भूंगी भूंगी बोलते जिससे वो बैठ जाती हैं, या फिर अभी एकदम ही सेफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो मैं खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे मैं खाना ढक के रखती हूँ, पर और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसे लेके आई हूँ। उसके बाद मैं दाल लेके आई थी और छोले लेके आई थी, क्योंकि मुझे छोले भटूरे खाने का मन था। और एक मैं ये लेके आई हूँ, ये मैं वहीं के पर्पज़ से लाई हूँ। जब मैं अपने आप को दिखाना शुरू करूँगी कुकिंग जोन पे, तो जो मेरा बैकग्राउंड रहेगा वहाँ पे मैं कुछ कुछ रखना चाहती हूँ,
तो ये थोड़ी बहुत चम्मच उम्मच सजाने के लिए तो मैं इसे भी ले आई। इसके बाद कुकिंग एप्रन लाई हूँ और ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया था, है ना बेबी? क्या हुआ? हाँ, सो मेरे हस्बैंड आके मुझे GST के कुछ सामान दिखाने लगे थे जो महंगे होने वाले, उसमें कैमरा भी था, DSLR कैमरा, कि अगर आप DSLR कैमरे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो GST से पहले कर लीजिए। मुझे नहीं मालूम ये न्यूज़ कितनी सही थी कितनी गलत है। और मेकअप प्रोडक्ट्स भी उसमें आ रहे थे कि वो महंगे होने वाले हैं, तो वो मुझे मेकअप प्रोडक्ट दिखाने आए थे कि तुम्हारे मेकअप प्रोडक्ट का मतलब महंगे होने वाले, लेना है तो ले लो, अब कितने भी हो जाए, अब क्या मैं सारा पैसा थोड़ी ना लगा दूँगी, हो जाए 200-400-500। इसके बाद मैंने ये लिया है, ये मैं ढोकला बनाने के लिए लाई, मेरे पास ढोकला मेकर नहीं है तो इसे मैं ना कढ़ाई वढ़ाई में रखूँगी और उसके बाद ढोकला बनाऊँगी। उसके बाद हम एक क्यूट सेट लाए हैं कुकिंग जोन के लिए ही, और ये है 6 पीस का सेट। बाप रे, मैं कितने कंटेनर्स खरीद रही हूँ। मैं मेरा अचार नहीं डाला है क्योंकि मानसून के टाइम पे अब अचार आम का अचार का अचार आम के अचार के लिए आम आ रहा है, तो अब मैं जाके लूँगी उसे। बट हम लोग को बहुत क्रेविंग हो रही थी आम के अचार की और मिर्ची के अचार की, तो मिर्ची का अचार मेरे पास, इनने मुझसे बोला कि मुझे हरी मिर्ची वाला खाना है, तो मैं ये 2 अचार के डब्बे लाई हूँ। एक है मिक्स पिकल और पंजाबी मिक्स अचार, और एक है हरी मिर्ची वाला अचार। उसके बाद मेरे हस्बैंड लाए हैं ये सेट, और ये उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें कभी कभी टिफ़िन में सॉस अचार सब कुछ देना पड़ता है, तो ये कंटेनर सेट बहुत अच्छे हैं ये। और ये मेरे को ग्रीन कलर लेना था, इन्हें पिंक लेना था, तो हम दोनों ने सोचा कि झगड़ा करने से अच्छा है कि दोनों कलर ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड के हाजमे के लिए ना, तुम्हारे हाजमे के लिए हाजमोला अनारदाना, क्योंकि एक जो इमली वाला आता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है मुझे, और जो आम वाला आता है वो इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाता है, और ये अच्छा लगता है। उसके बाद मैं लाई हूँ ये शैम्पू, और ये भी मेरे हस्बैंड लाए हैं। मैं पेंटीन लेके आई हूँ अपने लिए, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए, इन्हें बोला कि ये डैंड्रफ कंट्रोल कंडीशनिंग शैम्पू है, उनके बहुत ज़्यादा उन्हें डैंड्रफ वगैरह हो रहा है, और ये वाला शैम्पू वो बोले थे मैं यूज़ करूँगा। बॉटल भी काफ़ी बड़ी है इसकी, ये जॉय का है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। खुशबू बहुत अच्छी इसी लगा, अभी ने जिसमें खुशबू आ जाए उठा लेते हैं। उसके बाद एक है ये भुजिया सेव का पैकेट फिर से, क्योंकि हमने पहला वाला खा लिया, और मेरे को ये जीरा बाइट ट्राई करने थे पतंजलि वाले, खाने का मन था, मेरे को लगा ट्राई करके देखते हैं, तो ये था। और ये पेंटीन मैं लाई हूँ अपने लिए, मेरा पेंटीन ख़त्म हो गया था, तो हम लोग मिक्स करके लगा लेंगे दोनों शैम्पू। सो इन टोटल मैं इतना सामान लेके आई हूँ, और हम लोग जाएंगे सोने, और बोजो ऑलरेडी यहाँ पे लेटा हुआ है, और मैं उसे भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी गुल्लू, क्योंकि उसे डिस्टर्ब करो तो वो ज़्यादा होशियारी मारना शुरू कर देता है। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, मुझे तो मुझे देख के हंसी आ रही है, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।